अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज और वॉलेट्स के ऊपर कुछ बात की, तो अब वॉलेट्स की भी आगे टाइप्स आती हैं। तो वो वॉलेट्स के टाइप्स जानना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि कुछ इंटरव्यूज के अंदर आपसे पूछ भी लेते हैं कि अच्छा आप वॉलेट के बारे में क्या जानते हैं, कौन सा वॉलेट सेफ है। तो हम वॉलेट्स की जो मेन तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है, एक को हम कहते हैं पेपर वॉलेट, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट वॉलेट और एक को हम कहते हैं हार्ड वॉलेट। तो जो पेपर वॉलेट है वो बहुत कम यूज़ होता है, इसको इस वजह से हम मेनली दो कैटेगरीज को ही यूज़ करते हैं। बट तीसरा मैंने इस वजह से बताया कि सम टाइम होता है कि आपसे पूछ लें और वो आपसे तीन एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको दो बता रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब ये है जो हमारे पास पेपर सॉफ्ट वॉलेट है वो क्या है। सॉफ्ट वॉलेट हमारे पास ये होता है कि जिसको मीन्स कि आपके मोबाइल के अंदर बिटकीप वॉलेट हो गया, सेफ पाल वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया और ऐसी बहुत सारी वॉलेट्स जो कि मोस्टली डिसेंट्रलाइज होती है। बहुत सारी वॉलेट्स ऐसी है जो कि डिसेंट्रलाइज को फोकस कर रही है, डिसेंट्रलाइज हैं ऑलरेडी हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और भी फीचर्स होते हैं कि आप इसके अंदर आपको स्वाप करना पड़ता है बाय करने के लिए और ट्रांजेक्शन जो है वो डायरेक्टली आपसे कोई ओटीपी नहीं मिलता, डायरेक्टली आप उसके अंदर जैसे एड्रेस डालते हैं सेंड करते हैं आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे आपकी इतनी गैस फी लगेगी और इतने टाइम में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और विद इन सेकेंड्स ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे वॉलेट के अंदर। और जो सॉफ्ट वॉलेट होता है इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट इस सेंस में कि अगर आपके मोबाइल में जो है वॉलेट था, आपसे मोबाइल चोरी हो गया या कुछ हो गया, मोबाइल आपका ख़राब हो गया लेकिन आपके पास प्राइवेट कीज़ है, तो आप वो प्राइवेट कीज़ उठा के दूसरे मोबाइल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर उस वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इंपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने मेनोमिक फ्रेजेस डाल लें या प्राइवेट कीज़ डाल लें। तो कुछ वॉलेट्स हैं जो कि इस तरह करते हैं कि आपने वो आपसे कहते हैं कि आपके जो 12 कीज़ हैं उसमें से आप नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 12 वो आप डाल दें सीक्वेंस वाइज, तो आप वो डाल लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आप जो है कम्प्लीटली सीक्वेंस वाइज 1 से लेकर 12 तक सारे वर्ड्स डाल दें, तो फिर आपको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेकिन अच्छा, आप उसमें ये आपकी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेनोमिक जो आपके पास फ्रेजेस होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। जो अब हमारे पास हार्ड वॉलेट होते हैं, हार्ड वॉलेट कौन से, हार्ड वॉलेट ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि विदाउट इंटरनेट चलते हैं, जो कि अमेजिंग टेक्नोलॉजी है कि आप विदाउट इंटरनेट कोई भी अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये सिंपली यूएसबी की टाइप का होता है, कि एक यूएसबी टाइप होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग के पास होंगे आई थिंक सो, बट हैं कुछ लोगों के पास जो कि फॉरेन को विज़िट करके, क्योंकि यहाँ पे लाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको आप इजीली जो है हार्ड ड्राइव के अंदर, सिंपल हार्ड ड्राइव के हम कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर आप अपना डेटा डाल लेते हैं, जो आपके बिटकॉइन से इथेरियम है कुछ भी है वो आप वहाँ पे सेफ आउट कर लेते हैं। कोई उसको ट्रेस नहीं कर सकता, कोई उसको हैक नहीं कर सकता, इवन के जो बाकी होते हैं क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस होती है तो वहाँ से वो हैक भी हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली बिटकीप के साथ हुआ भी। सो ये हमारी डिस्कशन थी सॉफ्ट वॉलेट और हार्ड वॉलेट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।